वालेकुम एवरीवन। सो होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सांभर और डोसा। लेकिन उससे पहले जैद और मैं जा रहे हैं मार्केट में सामान लेने के लिए। जैसे ही हम आ जाएंगे उसके बाद रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। आपको बताना चाहती हूँ, जैद और मैं मार्केट आए थे कड़ी पत्ता लेने के लिए, पर हमें कहीं पर भी कड़ी पत्ता नहीं मिला। तो हम आज इस पेड़ में से ही कड़ी पत्ता निकालेंगे। जैद भाई कोशिश करते हुए, मैं ये देख रहा हूँ सबसे अच्छा कौन सा है। ये देख रहे सबसे अच्छा कड़ी पत्ता। जैद यही वाले अच्छे हैं, बड़े पत्ते अच्छे होते हैं। जैद ये रे बड़े बड़े, जैद इधर ये वाले तोड़ने ले लो। घर पे भी पूछ लेती हूँ अम्मे को चाहिए क्या कड़ी पत्ते। पूछ लो, ज्यादा तोड़ लूंगा मैं भी। नहीं बस नॉर्मल तोड़। जैद जल्दी कभी कोई आ जाए, कोई कुछ नहीं कहता। कौन का क्या? आज हम पहली बार ये सब कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। जैद भाई ने कहा जैद ये वाले वही तोड़ूंगा। ये रहा देखो ये वाला, हां ये वही तोड़ लूंगा। जैद ये बहुत अच्छी पत्ती है। हेलो, मैंने भी एक पत्ती तोड़ी, आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी कभी कड़ी पत्ता, अगर आपको कड़ी पत्ता ना मिले तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं तोड़ के आपको भिजवा दूंगी। बट उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। है जैद भाई, 1000 रुपए डिलीवरी, 1000 रुपीज डिलीवरी। ओके, हमारी भी तो मेहनत है, हम रिस्क लेके पेड़ पे से तोड़ ले। जी जी, जरा सी देर में सरकारी। चलो, तो हम डोसे का सारा सामान लेकर आ गए और सांभर का, और अब तैयारी करेंगे सांभर बनाने की। तो हम लोग बाजार से आ चुके थे और बहुत ज्यादा थक गए थे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सांभर बनाने के लिए, और बाकी सारी रेसिपी आपको देते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सांभर बनाना। तो सांभर के लिए सबसे पहले हम लेंगे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, लौकी। हमने ये लिए हैं टमाटर बड़े बड़े, प्याज भी ऐसे ही काटी है, ड्रम स्टिक है, और ये लिए हैं हमने साबुत हरी मिर्चें, और ये रही दाल, ये है हमारी अरहड़ की दाल जो कि ये सांभर में डलेगी। तो इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन। हमने 2 से 3 सीटियाँ लगानी है। तो पानी मैंने, देख सकते हैं आपने, मैंने इतना पानी लिया है, बस इसको ऐसे ही रखेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। इमली भिगो दी है पानी में, जब तक हमें सीटियाँ आएंगी सांभर में, उसके बाद हम इमली डालेंगे। शुक्र, अब इसके अंदर बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। लिया है ये वाला सांभर मसाला कैच का। तो अब हम इसमें डाल दें सांभर मसाला और हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। अब इसको डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें अभी हम डालेंगे इमली का पानी, अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे अच्छे से। तो हमारा सांभर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं तड़का। लास्ट में अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया। तो हमारा सांभर जो है वो रेडी हो चुका है। हमने ये डोसा, इंस्टेंट डोसा जो बना हुआ होता है पैकेट वाला, वो लिया है बाजार से, स्टोर से आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा। डालेंगे पानी, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और ज़्यादा पतला नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। और इसके अंदर हम डालेंगे कर्ड, इसके अंदर हम डालेंगे दही, जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा हमने थिन लिया है, ना ज़्यादा हमने गाढ़ा लिया है, नॉर्मल रखा है इसे। तो अब हम बना रहे हैं नारियल की चटनी। उसके लिए हमने ली है काली वाली सरसों, और ये है ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता, हींग, और ये लास्ट में हम डालेंगे उड़द की दाल। तो ये सारी चीज़ें हमने डालकर बघार करना है, और उसके बाद जो है हमने नारियल की चटनी, जो नारियल है वो ग्राइंडर किया, पीस लिया, और उसके अंदर ये सब जो है ऐड कर देंगे। तो हमारी जो चटनी है वो रेडी हो जाएगी, आपको मैं दिखाती हूँ। तो हमने जो तड़का बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं हमारी जो नारियल की चटनी है वो बन चुकी है। और अब हम बना रहे हैं आलू का भरता, जो डोसे के अंदर फील होता है। तो सबसे पहले आलू बॉईल कर लिए नमक डाल के। अब हमने ली है राई, अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, हरी मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता, हींग, चने की दाल और अरहड़ की दाल। अब हम सारी चीज़ें जो है ऑयल गरम करके इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। तो हमारी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो हमने आलू डाल दिए, और लास्ट में हम इसके अंदर अब डालेंगे हल्दी। तो हमारे जो आलू हैं वो रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आज मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ डोसा बनाने का, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो ये मेरा फर्स्ट डोसा है लाइफ का जो मैं बना रही हूँ। तो मैंने जो बनाया ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये काफ़ी अच्छा बना था, बट छोटा सा बना था क्योंकि इतना बड़ा हमारा तवा नहीं था, और क्या कहते हैं मुझसे इतना बड़ा बन नहीं रहा था।
बट नॉट बैड, मेरे से काफ़ी अच्छा बना था और ये क्रिस्पी भी हुआ था, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हमारा ये पूरा प्रॉपर से सभी रेडी हो चुका है, तो पापा को टेस्ट कराते हैं और पूछते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं। अच्छा है पापा, बहुत इंजॉय किया डिनर आज का, बहुत टेस्टी लगा, पापा को भी बहुत मज़ा आया। और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। शैल जो है वो गए हुए हैं, वो लेट नाइट तक आएंगे, वो अपने फ्रेंड्स के, पहले वो काम पर गए हुए थे, फिर वहीं से ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए। उन्होंने बोला कि वो डिनर कर करेंगे, तो इस वजह से हम वेट नहीं किया शैल का और हमने डिनर कर लिया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि शैल के साथ प्रैंक वीडियो करिए, प्रैंक वीडियो करिए। तो मैंने इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट पे कि प्रैंक करिए, प्लीज़ करिए, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ अच्छा सा प्रैंक करना चाहिए शैल के साथ, कि जिससे वो शॉक्ड हो जाए और वाकई में उनको बिल्कुल रियल लगे। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ऐसा क्या प्रैंक करूँ, शैल के साथ प्रैंक करूँगी। आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं अभी किचन में से आई हूँ तो मैं पूरी रेड रेड हो गई। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं शैल के साथ क्या प्रैंक करने वाली हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है इसके अंदर है कप, और ये कप जो है ये मैंने ही बनवाया है। और अब जो है मैं ये शैल से बोलूँगी जब वो आएंगे कि ये आपका पार्सल आया था और ये किसने भिजवाया, ऐसे वाला प्रैंक। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है, मुझे अभी बहुत हंसी आ रही है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, बट मुझे करना है तो करूँगी। और अभी शैल को कॉल करके ये बोल रही हूँ कि आपका पार्सल आया। मुझे कुछ और प्रैंक आइडिया नहीं आया, मैंने सोचा यही कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये कर लिया। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ आइडियाज़ आए तो आप मुझे दे सकते हैं। तो शैल को कॉल करते हैं। हाँ जी, ये पार्सल आया आपका, क्या है? पता नहीं मुझे, मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया भाई। हो कहाँ? मैं आ गया सीलमपुर के रेड लाइट पे हूँ, खोल के देख लूँ? मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मेरे को क्या पता। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है ये बताओ पहले। मुझे नहीं पता, मैं बस पार्सल आया था, मैंने खोला नहीं, थोड़ा सा खोल के देखा है। है क्या अंदर? मुझे क्या पता, एक चकोर सा बॉक्स है। चकोर सा बॉक्स? अच्छा 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 अच्छा, वो मुझे लग रहा है तो वहां से आया, इंस्टाग्राम की तरफ से या फिर एमएक्स की तरफ से होगा। अच्छा, खोल, नाम क्या लिखा हुआ है? नाम नहीं है, वही तो बोल रही हूँ, नाम नहीं है। तो भाई देके कौन चला गया ऐसे ही? पार्सल वाला जो देके जाता है वही देके गए। तो क्या पता किसी और का हो, क्योंकि यहाँ पर गली में एक और तस्लीम रहता है आगे। नहीं, आपका ही है वो। ना, क्या है? मुझे क्या पता क्या है शैल, आपका ही नाम लिखा हुआ था, पापा के नंबर पे कॉल आया है। तो मैंने तो कोई पार्सल ही नहीं मंगाया रुशी, तुझे पता है मैं तो करता ही नहीं है इस पार्सल वार्सल का, तो मुझे वो भी नहीं है ना, मैं बुक करता कोई चीज भाई। मुझे सॉरी, मुझे क्या पता शैल, मैं खोल के देख लूं। बात करते करते खोल, क्या है क्या पता, खोलो के कोई कैसा ना हो, कुछ वीडियो बना लियो दूसरे फोन से। ठीक है, हैं ठीक है, करती हूँ अभी कॉल करके, वीडियो इसी से ही तो बनाऊंगी। तो जैद से बनवा ले वो तो फोन से, जैद अभी प्लम्बर के पास है वहाँ गली। तो फिर जैन चल, तो फिर मैं आ गया, फिर मैं अपना कैमेक्स और उसका मोच का होगा, उसकी वीडियो बनानी पड़े। ठीक है चलो, ठीक बता रहा हूँ, आज दुर्राटे कट जाएंगे, उठाटा के पटक देंगे ना। ये जो फिल्म काट रही है ना पुराने गिफ्ट की, तुम्हारी हंसी से समझ जाएंगे वो। नहीं समझेंगे, मैं बिल्कुल सीरियस एक्टिंग करने वाली हूँ। तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज, आज चलते हैं हम, फिर जब भाई आएंगे जब बात करेंगे। प्रैंक वीडियो सबने कही थी कि प्रैंक वीडियो बनाना, इसीलिए बना रहे। मुझे थोड़ा सा डर, देखो सुनो, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो नेक्स्ट प्रैंक भी करेंगे, 150 रुपया लेगा फिर। अभी ये आए हैं और इनको मैं पूछ रही हूँ कि हमने सांभर और डोसा बनाया था, तो इन्हें खाने तो मैं दे दूंगी। खाने क्यों, 2 मिनट के लिए फोन, 2 मिनट के लिए फोन दिखाओ, मैं इससे पहले वाला पार्ट देखना चाहता हूँ। इससे पहले वाली पार्ट क्यों देखना चाहते हो आप? फोन दिखाओ मुझे, चार्जर की पिन लेकर। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपने फेस पर क्या लगाते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं फेस पर क्या क्या लगाती हूँ। और मुझे क्यों देखे जा रहे हो? मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, फोन देख रहा हूँ। फोन क्यों देख रहे हो आप? क्योंकि मैं अपनी गाइस, क्योंकि मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकता, जो रियलिटी है वो मुझसे होती भी नहीं है।
अभी मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं है, क्या माजरा है, बहरहाल देखिए देखा जाएगा। मुझे ये बता रिश्ना आपसे क्या था, आपको मेरी कसम है। कसम से कुछ भी नहीं कहा। आपकी आपने अपने कसम अपने पास ही रहनी है। आरिश ने मुझसे कुछ कहा है? पहले बार जिस गाड़ी में मैं था उस गाड़ी में आरिश था ही नहीं, मैं दूसरी गाड़ी में। अच्छा सही कह रहे जी। और आरिश मुझसे कुछ कहता वहता भी नहीं, तुम्हारी बातों को कुछ कसली नहीं। एक बात बताओ भाई, तुम लोग शादी में भी जाते होगे, लिफाफा भी लेते होगे, लिफाफे में पैसे भी रखते होगे, यानी पहले ये तो देख लो कि जो उस लिफाफे में सिक्का लगा हुआ होता है वो चलता कोई। तो मेरे भाई उसके अंदर ना आप लिफाफा लगाओ, लिफाफा लगाओ नहीं, बिना सिक्के का लिफाफा लगाओ, बिना लिफा बिना सिक्के का, बिना सिक्के का लिफाफा लगाओ। अगर लिफाफा लिफाफे के अंदर अगर सिक्का लगाना है तो या तो दो का लगाओ या पांच का लगाओ या दस का लगाओ या एक का लगाओ, बस जमाना चला गया यार। ये पुराने वाले सिक्के मुझे हंसी आ रही, मुझे भी खोलो इसे, क्या इसके अंदर मुझे तो सोच के हंसी आ रही है कि तुम कब आएंगे। ये पार्सल, ये वाला, ये गिलास, ये कब आया है? अभी तोड़ोगे मेरे हाथों, मेरे सामने तोड़ो इसे। ओ यहाँ यहाँ मत फेंक के मारे लग जाएगा, बता रहे ये चीज तू ब्लॉग में कर रही है, जहन में भी नहीं है। हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हें मिला कहाँ से ही। मुझे तो तुम तोड़ दो लो अपने हाथों से, अपने हाथों से तोड़ो इसे यार, मैं अपने हाथों से तोड़ू तुम तोड़ोगे उसका बेहतर है। आप तोड़ो, क्यों तोड़ा नहीं जा रहा? तोड़ूंगा अच्छा, यूँ कह रही पापा के फोन पे फोन आया इस पार्सल के लिए, तोड़ो इसे अभी। चुप चुप हो रही हो, मुझे लग रहा है तुम अपने घर जाने का ना वो कर रही है। घर जाओगी? घर जाऊंगी। घर जाओगी अपने? मुझे तो कोई, मुझे तो कोई घर भेजने की नहीं लगी रहती, तुम खुद चली आओगी, मेरे बिना इजाजत के चली आओगी। जब दिल करेगा, देख रहे हो, समझ रहे हो जब इसका दिल करेगा ये खुद चली आएगी। खुद चल मत करो, मैं बोल रहा ये क्या होता है वो शेल के साथ जो ये प्रैंक था, ये थोड़ा सा ऐसे ही रहा क्योंकि मुझसे प्रॉपर से एक्टिंग नहीं हो पाई और शेल थोड़ा सा समझ गए थे, बट नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से ट्राई करूंगी और कुछ न्यू सा। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।